शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में आपको बिहार के टॉप 5 कुशवाहा नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा पाएं। मंडल कमीशन के लागू होने के बाद से बिहार की राजनीति में काफी बदलाव आ गया है। इसने कई जातियों में नए नए नेता तैयार किए, लेकिन बिहार की 4 प्रमुख जातियों में कुशवाहा ही एक ऐसी प्रमुख जाति है जिसकी राजनीति को किसी एक दिशा में अब तक मोड़ा नहीं जा सका है। बिहार की सियासत में एक जाति, एक पार्टी, एक नेता के रूप में 3 प्रमुख नेताओं के नाम लिए जाते रहे हैं। यह माना जाता है कि यादव समाज कमोबेश लालू यादव के साथ खड़ा रहता है, कुर्मी समाज नीतीश कुमार के साथ आंख बंद कर जाता है, और यही बात पासवान के बारे में कहा जाता है कि वह रामविलास पासवान या फिर उनके बेटे चिराग पासवान का साथ देते हैं। बिहार में कोयरी कुशवाहा जाति की आबादी 7 से 8% है। भले ही समाज के लोग खेती किसानी पर निर्भर है, लेकिन इन्हें राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक माना जाता है। लेकिन यह भी सच है कि बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद के बाद कोई भी नेता अब तक पूरे कुशवाहा समुदाय को एकजुट करने वाला नहीं हो पाया है। ऐसे में आज 5 PM के 5 का तड़का में हम बिहार के उन टॉप 5 कुशवाहा नेताओं की बात करेंगे जिनके एक इशारे पर चुनाव का समीकरण बदल जाता है। 5वें नंबर पर नाम है आलोक कुमार मेहता का। कुशवाहा नेताओं की लिस्ट में ये 5वें स्थान पर है। ये कुशवाहा समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इन्हें 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता मिली थी। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से RJD के टिकट पर विधायक बने थे। उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। इसमें आलोक मेहता सहकारिता मंत्री बनाए गए थे। जब तक महागठबंधन की सरकार रही तब तक ये मंत्री रहे। अभी RJD में प्रधान महासचिव है। आलोक मेहता 2004 में उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। ये युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद 1994 में आलोक मेहता ने राजनीति में अपना करियर शुरू किया था। ये परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से संबंधित समितियों के सदस्य भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इन्हें तेजस्वी यादव का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। आलोक मेहता को म्यूजिक, कविता लिखना, ट्रैवल करना, इनोवेशन, पैनल डिस्कशन आदि में विशेष रुचि है। साथ ही मिथिलांचल के क्षेत्र में कुशवाहा जाति पर पकड़ भी है। ये अपने पिता तत्कालीन मंत्री दिवंगत तुलसीदास मेहता की विरासत को और अधिक समृद्ध कर रहे हैं। नंबर 4 पर नाम है नागमणि का। सियासी गलियारे में नागमणि किसी परिचय के मोहताज रही है। एक समय था जब केंद्र में मंत्री रहे नागमणि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीब थे। लोजपा से JDU में आए नागमणि की नीतीश सरकार में काफी चलती थी। नीतीश सरकार में इनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा मंत्री के पद पर काबिज थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार से नागमणि का मनमुटाव हो गया, रिश्ते में करवाहट आ गई। अब तक इन्होंने इतनी बार पार्टी बदल ली है कि ये सियासी गलियारे में दल बदलू नेता के रूप में फेमस हो गए हैं। साल 1977 में पहली बार विधायक बने नागमणि अब तक 12 बार पार्टी बदल चुके हैं। सियासी गलियारे में तो यह भी कहा जाने लगा है कि शायद ही कोई दल ऐसा हो जिसकी उन्होंने सदस्यता ग्रहण ना की हो, लेकिन ये किसी भी दल में लंबे समय तक नहीं टिक सके। पिता जगदेव प्रसाद की पार्टी शोषित समाज दल से राजनीति में एंट्री करने वाले नागमणि अब तक जनता दल RJD, RJD लोकतांत्रिक, BJP लोक जनशक्ति पार्टी, JDU, NCP, आजसू समेत अन्य पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने समरस समाज नामक अपनी पार्टी भी बनाई थी, लेकिन 2017 में उन्होंने उसका विलय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में कर लिया था। उपेंद्र कुशवाहा के JDU में जाने के बाद नागमणि ने फिर एक नई पार्टी बनाई है। उसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज दल रखा गया है। ये भी कुशवाहा समाज के नेता होने का दावा करते हैं। अब बात नंबर 3 की। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर भगवान सिंह कुशवाहा है। भगवान सिंह कुशवाहा बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं।
इन्होंने जगदीशपुर विधानसभा का 4 बार प्रतिनिधित्व किया है। ये ललन सिंह के करीबी माने जाते हैं। ये शाहबाद की राजनीति में बड़ा चेहरा रहे हैं और पहली बार 1990 में CPIML के टिकट पर MLA बने थे। इसके बाद दोबारा 1995 में समता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। साल 2000 में तीसरी बार JDU के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। 2005 में हुए उपचुनाव में चौथी बार विधानसभा में जाकर ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर बिहार कैबिनेट में शामिल हुए। 2020 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद भगवान सिंह कुशवाहा ने लोजपा का दामन थाम लिया, लेकिन जीत नहीं सके। कुशवाहा जाति पर पकड़ रहने के कारण ये दूसरे स्थान पर रहे और JDU उम्मीदवार को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहबाद क्षेत्र के 4 जिलों बक्सर, भोजपुर, कैमूर और रोहतास में JDU को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। JDU में मैसेज गया कि कुशवाहा समाज पर इनकी अच्छी पकड़ होने की वजह से JDU को यहां हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही ललन सिंह ने सबसे पहले भगवान सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल कराया। JDU में लौटने के बाद भगवान सिंह कुशवाहा को पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी भी दी गयी। दूसरे नंबर पर सम्राट चौधरी का नाम है। सम्राट चौधरी बिहार के बड़े कुशवाहा नेता रहे शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी 6 बार विधायक और खगड़िया से 1 बार सांसद रहे हैं। सम्राट चौधरी राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी के कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं। अब नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी किसी जमाने में RJD प्रमुख लालू यादव के खासम खास माने जाते थे। इसी वजह से शकुनी के बेटे सम्राट चौधरी का भी लालू निवास पर आना जाना लगा रहता था। कहा जाता है कि सम्राट चौधरी जब हायर एजुकेशन के पढ़ाई कर रहे थे तभी लालू आवास के कारण उनके मन में मंत्री बनने की इच्छा जग गई थी। बेटे की महत्वाकांक्षा से शकुनी चौधरी ने लालू यादव को अवगत कराया। इस पर लालू ने सम्राट चौधरी से मिलना चाहा। पहली बार मुलाकात में सम्राट चौधरी ने लालू को काफी प्रभावित कर लिया था। लालू ने फौरन कैबिनेट में शामिल करने की स्वीकृति भी दे दी। इस तरह सम्राट चौधरी बिहार के सबसे कम उम्र के मंत्री बन गए। उन्हें राबड़ी सरकार में माप तौल और बागवानी मंत्री बनाया गया, लेकिन विपक्ष ने उम्र को लेकर नया बखेरा शुरू कर दिया। फिर निर्धारित 25 वर्ष से भी कम एज होने के कारण उन्हें मंत्री पद से हटना पड़ा था, लेकिन पूर्वोत्तर बिहार में कुशवाहा समाज पर जबरदस्त पकड़ रहने के कारण ही आज सम्राट चौधरी BJP के सबसे पॉपुलर नेता हो गए हैं। बिहार में BJP कोटे से फिलहाल मंत्री बने हुए हैं। अब बात कुशवाहा नेताओं में नंबर 1 की। उपेंद्र कुशवाहा इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। निर्विवादित रूप से उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। राजनीति में आना इनका महज एक सहयोगी है। दरअसल इन्होंने वैशाली के समता कॉलेज के राजनीति विभाग में लेक्चरर के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। इसी रास्ते 1985 में वह पॉलिटिक्स में आ गए और 1988 तक युवा लोकदल के राज्य महासचिव रहे। 1994 में उन्हें समता पार्टी का महासचिव बनाया गया। इसके बाद उनकी प्रभावशाली शैली की वजह से उन्हें स्टेट पॉलिटिक्स में महत्व मिलने लगी। इस दौरान समता पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार के साथ इनकी नजदीकियां खास तौर से चर्चा में रही। 2000 में समता पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचने वाले उपेंद्र कुशवाहा कुछ सालों के भीतर ही JDU में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े नेता माने जाने लगे। बिहार की राजनीति में साल 2003 में उपेंद्र कुशवाहा उस समय एक बड़ा नाम बनकर उभरे जब नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया और इस तरह मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर कुर्सी उपेंद्र कुशवाहा के पास आ गई। बढ़ती महत्वाकांक्षा की वजह से कई बार नीतीश कुमार से उनका मनमुटाव भी हुआ। अपने जीवन में कई बड़े दांव लगाने वाले कुशवाहा इस प्रयास में अब तक कई दलों का दामन थाम चुके हैं। बाद में उन्होंने रालोसपा यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनाया, लेकिन एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा JDU में शामिल हो गए। अभी JDU संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तक इनकी बातों की कद्र करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।